Hello everyone, my name is Sonam Sandhu and today I'm here to clear your doubts related to the marking criteria of Cambridge. So basically जो भी है आप IDP या British Council के exam दे रहे हो तो उसका marking criteria है क्या, किस तरीके से अगर आप ये वाला let's say आपने एक word गलत लिख दिया या फिर आपने block letters में लिखा या small handwriting में लिख दिया, running handwriting में लिखा, तो वो correct होगा कि wrong होगा, इससे related मैं आपको सब कुछ आज बताने वाली हूँ. आपके काफ़ी doubts इसमें clear हो जाएंगे because ये सारे मुझे comments आते हैं, so it's better I thought of making one video on this. So those who are watching the video for the first time, do subscribe my channel, or those who have been permanent subscribers and they watch the video regularly, thank you so much. So let's get started. Basically, this is what Cambridge is saying. I'm not telling you anything from my own mind, or I'm not telling anything which I feel. What Cambridge is saying, I'm telling you that. So the first thing which Cambridge says is, it doesn't matter whether you write in block letters. Block letters are the capital letters. Whether you write in capital letters or you write in running handwriting. Until and unless, or till the time your handwriting is legitimate, you'll get the score. Okay, so point is, बस लिखना correctly है, ये जरूरी नहीं है कि block letters में लिखो या वैसे लिखो. Okay, now proceeding further to the second part, बहुत सारे students को इस चीज़ में confusion होती है कि वहाँ पे मैम लिखा है no more than 3 words and हमें confusion हो गई, what do we need to write? The answer is the color of sheep. तो यार यू गाइज आर कन्फ्यूज कि आपने कलर ऑफ शीप लिखना है, कलर ऑफ शीप लिखना है कि क्या लिखना है, क्योंकि आपको लग रहा है वहाँ पे पहले भी आर्टिकल्स यूज हुए हैं. सो यहाँ पे इंस्टेड ऑफ दिस यू विल यूज शीप्स कलर. सो पॉइंट इज दिस कि आपने देखो एक सिंपल सी चीज़ है, आप पैसेज से कॉपी करोगे आंसर, आप कुछ भी अपने वर्ड्स नहीं लिखोगे. देयर आर टाइम्स व्हेन यू आर राइटिंग एंड आप अपने इंस्टीट्यूट में एग्जाम दे रहे हो, मॉक टेस्ट दे रहे हो या फिर प्रिपेयर कर रहे हो, प्रैक्टिस कर रहे हो एंड योर टीचर सेज कि आंसर इज नॉट दिस, इट इज़ दिस. सो पॉइंट इज कि आंसर उन्होंने आपको बताया, लेट्स से उन्होंने बोला कि स्पोर्ट्स फील्ड आंसर है और आपके अकॉर्डिंग प्ले ग्राउंड है. एक्चुअली में भी पैसेज में प्ले ग्राउंड ही लिखा हुआ है, स्पोर्ट्स फील्ड नहीं लिखा हुआ है. सो आपकी जो टीचर बता रही हैं वो गलत है, इसीलिए मैं रिकमेंड करती हूँ कि फॉलो ओनली कैम्ब्रिज बुक्स. बिकॉज जो हम दूसरा सोर्स फॉलो कर रहे हैं, वॉट इज़ हैपनिंग कि बहुत बार हमारी ना आंसर्स गलत है या कुछ चीज़ें मार्किंग गलत हो रही है, उसकी वजह से आपके गलत एक आइडियाज़ आपके माइंड में बैठ रहे हैं एंड आपको प्रॉपर जो नॉलेज मिल रही है वो करेक्ट नहीं मिल रही है, जिसकी वजह से यू आर लर्निंग समथिंग रॉन्ग. सो इट्स बेटर कि यू गो लाइक दिस. लेट्स से इसमें मैं एक और एग्जाम्पल आपको देती हूँ. स्पोर्ट्स फील्ड उन्होंने बोला है राइट इन अ सिंगल वर्ड, यू आर नॉट अलाउड टू राइट मोर देन अ सिंगल वर्ड. सो ओनली वन वर्ड आंसर देना है आपने और आपको लग रहा है आंसर इज स्पोर्ट्स फील्ड. सो इंस्टेड ऑफ राइटिंग स्पोर्ट्स, क्योंकि स्पोर्ट्स यहाँ पे कैसा यूज हो रहा है, टाइप ऑफ फील्ड का नाम बताया उन्होंने, एज एन एडजेक्टिव अगर हम बात करें फील्ड के बारे में बताया है स्पोर्ट्स फील्ड. सो आप वो नहीं यूज करोगे, यू विल जस्ट राइट फील्ड, क्योंकि फील्ड से आपको समझ आ रहा है वेयर विल द इवेंट टेक प्लेस और वेयर वुड द इवेंट टेक प्लेस. सो पॉइंट इज वहां मैंने लिख दिया फील्ड इंस्टेड ऑफ राइटिंग स्पोर्ट्स फील्ड, क्योंकि उन्होंने मुझे वन वर्ड बोला है, यही टू वर्ड्स बोले होते आई वुड हैव रिटन बोथ द थिंग्स. सो ये जो आपकी कन्फ्यूजन है आप ये ध्यान दो कि किस वर्ड से आपको समझ आ रही है चीज. खाली स्पोर्ट्स अगर आप लिख देते तो आपको कुछ समझ आता? डेफिनेटली नहीं आता, इसीलिए आपने ये लिखना है. ठीक है, क्लियर हो गया ये. नेक्स्ट क्वेश्चन इज लाइक, लेट से आपके लिसनिंग में क्वेश्चन आ गया कि फिल इन द ब्लैंक, और उन्होंने बोला द इवेंट विल टेक प्लेस इन द के बाद डैश है, पर आपने इन द के बाद डैश है और आपको पता है वो इवेंट मॉर्निंग में विल बी हेल्ड. सो आपने मॉर्निंग की जगह लिख दिया है इन द मॉर्निंग, सो ऑब्वियसली आपका आंसर गलत हो जाएगा. यू विल हैव टू राइट ओनली मॉर्निंग. उन्होंने क्लियरली बोला है, ऑब्वियसली उन्होंने हो सकता है बोला यही है कि नो मोर देन 3 वर्ड्स, पर आपको पता है कि नो मोर देन 3 वर्ड्स है हर एक क्वेश्चन के लिए, वही चीज़ है. किसी 5 क्वेश्चंस में से किसी एक पर्टिकुलर क्वेश्चन का आंसर 3 वर्ड्स में हो सकता है, पर सबके आंसर तो 3 वर्ड्स में नहीं होंगे. ऑलरेडी क्वेश्चन में मैंशनड है इन द, उन्होंने ऑलरेडी यूज़ करा हुआ है, आर्टिकल भी यूज़ करा हुआ है और उन्होंने प्रेपोजिशन भी यूज़ करी हो. सो यू विल नॉट यूज़ द प्रेपोजिशन एंड द आर्टिकल अगेन, यू विल जस्ट राइट मॉर्निंग. अगर आप इन द मॉर्निंग लिख देते हो तो आपका आंसर विल बी मार्क्ड
रॉन्ग. सो प्रेजेंस ऑफ माइंड बहुत जरूरी है. क्वेश्चन ध्यान से पढ़ो और देखो वो चीज मेंशनड है. लेट्स से उन्होंने लिखा है यूज अ वर्ड एंड अ नंबर और अ नंबर. आंसर है डॉलर 10. अब आपने क्या करा कि डॉलर का साइन ऑलरेडी क्वेश्चन में दिया हुआ है उन्होंने. सो द कॉस्ट ऑफ दिस पर्टिकुलर ऑपरेशन इज डॉलर डैश. आपने क्या करा फिर उस चीज के लिए कि आपने डॉलर भी दोबारा लिख दिया, आपने डैश में लिख दिया $10, तो वो आपका आंसर रॉन्ग हो जाएगा क्योंकि डॉलर तो ऑलरेडी उन्होंने दिया हुआ है. तो आपको इन चीज़ों का ध्यान देना. ये बेसिक थिंग्स हैं बट ये बहुत ज़रूरी चीज़ें हैं. सो टेक केयर ऑफ दीज थिंग्स. इफ़ यू टॉक अबाउट स्पेलिंग्स, सो बोथ US एंड UK स्पेलिंग्स आर एक्सेप्टेबल. सो इफ विल से कलर COLOR, दैट इज ऑल्सो एक्सेप्टेबल. COLOUR, दैट इज ऑल्सो एक्सेप्टेबल. अगर आप एक ही आपकी लिस्टिंग में 40 क्वेश्चंस हैं, आपने एट अ पर्टिकुलर पॉइंट US स्पेलिंग यूज करी हुई है, किसी और आंसर में आपने UK स्पेलिंग यूज करी हुई है, देर इज नो प्रॉब्लम एट ऑल बिकॉज दे विल बी एक्सेप्टिंग बोथ द स्पेलिंग. सो इवन इफ यू हैव रिटन कलर और इफ यू हैव रिटन COLOUR, बोथ विल बी एक्सेप्टेबल. ठीक है, आपने इन चीज़ों का ध्यान देना है ऑलरेडी कि यू विल नॉट बी डूइंग द सेम मिस्टेक्स अगेन, बिकॉज बहुत बार ऐसा होता है कि स्पेलिंग्स डिफर करती हैं US एंड UK के अकॉर्डिंग. ठीक है, नाउ कमिंग टू डेट्स. जब भी आप डेट्स लिखते हो या फिर नंबर लिखते हो, ठीक है, डेट्स हो गए, डेज हो गए, ईयर हो गए, सो ये तीनों आपका डेट लिखने का फॉर्मेट है. ठीक है, आप किसी भी फॉर्मेट से डेट्स लिखो, ठीक है, योर आंसर विल बी मार्क्ड करेक्ट ओनली. सो डोंट वरी अबाउट एनीथिंग. अगर आपने मार्च पहले लिख दिया, डेट बाद में लिख दी, ईयर उसके बाद, तो भी कोई प्रॉब्लम नहीं है. कॉमा लगा दिया बीच में तो भी कोई प्रॉब्लम नहीं है. सो डोंट वरी अबाउट एनीथिंग, ये हमेशा ही एक्सेप्टेबल होगा. सो यू कैन राइट ईदर वे, जस्ट टेक केयर ऑफ योर हैंड राइटिंग, दैट शुड बी लेजिटिमेट. उसके बाद कोई भी प्रॉब्लम आपको नहीं आएगी. लास्ट थिंग विच आई वॉन्ट टू टेल हेयर इज, लेट से एक आपके पास क्वेश्चन आ गया, ऑब्वियसली उसमें मैंशनड है कि नो मोर देन 3 वर्ड्स एंड अकॉर्डिंग टू यू आंसर इज ब्लैक कलर कोट. ठीक है, ब्लैक लेदर कोट. ठीक है, पर आपको लग रहा है कि कोट ऑफ ब्लैक लेदर. ठीक है, अब आपने लिखा कोट ऑफ ब्लैक लेदर और आपको लग रहा है ऑफ ही बीच में बस ऐड हुआ है, सो आंसर करेक्ट होगा, गलत हो जाएगा आंसर क्योंकि 3 वर्ड्स तो बोला ही हुआ है. सो ब्लैक लेदर कोट, जिसका परफेक्ट मीनिंग भी बन रहा है और एक्सप्लेन भी प्रॉपरली कर रहे हैं और 3 वर्ड्स में वो चीज़ हो भी रही है, सो इट विल बी ब्लैक लेदर कोट. आई बिलीव आपको समझ आ गया जो मैं समझाना चाह रही थी. सो दिस इज ऑल अबाउट टूडेज वीडियो, क्योंकि इसके ऊपर ये आपकी खाली लिसनिंग के लिए ये नहीं है. दीज दिंग्स विच आई टोल्ड यू जस्ट नाउ, दीज आर दी नोट्स फॉर रीडिंग एंड लिसनिंग बोथ द थिंग्स. सो यू नीड टू टेक केयर ऑफ रीडिंग एंड लिसनिंग इन सच अ मैनर दैट यू आर फॉलोइंग ईच एंड एवरी टिप विच आई हैव जस्ट mentioned. So thanks for watching the video. If you liked it, do share it with your friends.